जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताही मधुर फल जानु। हनुमान चालीसा की यह पंक्ति सूर्यदेव एवं हनुमान के एक अनूठे संबंध को दर्शाती है। आइए टूरिज्म रीडिफाइंड के इस नए एपिसोड में एक ऐसे ही अनूठे संबंध के मूल स्वरूप मंडला शहर के सूरजकुंड मंदिर के बारे में जानते हैं। मित्रों, आज हम जो आए हैं मंडला शहर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूरजकुंड जो है हनुमान जी के मंदिर पर। ये जो हनुमान जी का मंदिर है ये अत्यंत ही प्रसिद्ध है और माना जाता है कि ये अत्यंत ही प्राचीन है, जिसके संबंध में यहाँ से कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाई कि ये मंदिर कितना पुराना है। किंतु इन हनुमान जी के संबंध में ये मान्यता है कि हनुमान जी तीन समय में, सुबह बाल्य रूप में, दोपहर में जो है युवा रूप में और शाम को वृद्ध रूप में दिखते हैं। यहाँ पर हर मनोकामना पूरी होती है। लोग अपने छाप, दाएं हाथ का छाप लगाते हैं, वो मनोकामना पूरी होने के बाद में बाएं हाथ का छाप लगाते हैं। माना जाता है यहाँ पहले एक प्रसिद्ध कुंड था, जिस कुंड पर सूर्य को देखने पर सूरज के रथ दिखाई देते थे। तो आइए मित्रों, इस जो है इस संबंध में कुछ जानकारी यहाँ के जो है जो पंडित महोदय हैं इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पंडित महोदय, इस मंदिर के संबंध में क्या मान्यता है? यहाँ जो हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है, इसको संतों के द्वारा सुना है ऐसा हम लोगों ने पुराने बुजुर्गों से कि यहाँ कभी सूर्य भगवान ने तप किया था। तो यहाँ एक कुंड भी था नर्मदा जी के किनारे, जो कि सन 26 में वो बह गया। उसमें सूर्य भगवान के रथ घोड़े परछाई पूरी दिखती थी दिन में। उसी समय हनुमान जी क्या है, सूर्य भगवान के शिष्य, तो हनुमान जी से सूर्य भगवान ने कहा था कि हम तपस्या कर रहे हैं, आप यहाँ हमारी सुरक्षा में रहिए, व्यवस्था में कोई डिस्टर्ब ना करे। उस समय से हनुमान जी यहाँ रहे और जब वो तपस्या करके गए सूर्य भगवान, तो उनने कह दिया कि हनुमान आप यहीं रहिए। तो उस समय से ये प्रतिमा रूप में यहाँ स्थापित हो गए, ऐसा बुजुर्गों और संतों ने बताया है। आज भी हनुमान जी स्थापित हैं, आदिकाल की मूर्ति है। दिन में तीन स्वरूप इनके बदलते हैं, सवेरे बाल्यकाल रहता है, दोपहर में युवावस्था, शाम को वृद्धावस्था। जो भी मनोकामना के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत फेमस स्थान है, सबकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। अच्छा, जो बुढ़मेर और नर्मदा के संगम में जामदग्नि ऋषि का जो आश्रम है, वहाँ जामदग्नि ऋषि का आश्रम था और उनके हाथ का स्थापित शिवलिंग आज भी वहाँ है। बहुत प्राचीन स्थल है वो भी, बहुत सुंदर स्थल है। जी, उसके बारे में सुना है कि वो दूसरी से तीसरी शताब्दी के बीच जो है उसके ऐसा ही सब लोगों ने सुना है। अब वास्तविकता तो इतिहासकार बता सकते हैं। अच्छा, ये जो आप ये देख रहे हैं जो वृक्ष है यहाँ पे, ये इसमें जो है पीपल और बरगद दोनों हैं। तो ये माना जाता है कि बरगद भगवान शिव का और पीपल भगवान विष्णु का जो है प्रतीक है। यहाँ दोनों देवता जो है साथ में हैं, तो इसका भी कोई महत्व है? जी हाँ, बहुत बड़ा महत्व। पीपल का वृक्ष ऐसा माना गया है पुराणों में, शास्त्रों में, कि पीपल के वृक्ष में 33 करोड़ देवताओं का वास है। विष्णु भगवान तो है ही उसमें प्रमुख देवता, लेकिन साथ में 33 करोड़ देवताओं का वास रहता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप अगर उसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हर वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, मगर ये हर समय ऑक्सीजन छोड़ता है। पीपल के वृक्ष की ये बहुत बड़ी विशेषता है। वनस्पति शास्त्र में देखिए आप, चाहे आयुर्वेद में देखिए, पीपल का वृक्ष बहुत बड़ा एक ऑक्सीजन का स्रोत माना गया है। यानी धर्म और विज्ञान दोनों की दृष्टि से पीपल का झाड़ बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा महोदय, एक और हमने सुना था कि ये जो सूरजकुंड में जो नर्मदा घाट है, यहाँ श्राद्ध पक्ष में जो है तर्पण करने पे, माना नर्मदा में तर्पण करने से जो जीव जो है सीधे जो है देवलोक की ओर जाते हैं। बिल्कुल सत्यवाद है, क्योंकि वही सूरजकुंड था, वही कुंड था जहाँ सूर्य भगवान ने तपस्या किया था, इसलिए विशेष महत्व है ये घाट का। और लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं और ये सब होते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों का। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इस सीरीज़ के अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।